सभी को नमस्कार। आज हम ये कविता टेसु राजा बीच बाजार, इस कविता का पठन करेंगे और इसका मतलब भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भीड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अभी मैंने इस कविता टेसु राजा बीच बाजार का पठन किया, अब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी। टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। एक बार टेसु राजा, एक राजा का नाम क्या है, टेसु, वो बीच बाजार में खड़े हुए क्या ले रहे थे, अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। अब टेसु राजा ने क्या प्रश्न पूछा कि इस अनार में कितने दाने हैं, और जवाब में टेसु राजा को क्या सुनने को मिला, जितने हो कंबल में खाने, यानी कि कंबल में जो डब्बे बने हुए होते हैं उतने ही इस अनार में दाने हैं। अब उस जवाब को सुनकर टेसु राजा फिर से प्रश्न पूछते हैं, कितने हैं कंबल में खाने, भीड़ भला क्यों लगी बताने। अब टेसु राजा ये प्रश्न पूछते हैं कि एक कंबल में कितने खाने होते हैं, कितने खाने हैं। अब ये बात जो है भेड़ क्यों बताएगी, टेसु राजा को लगा कि जो ऊन है, जो कंबल बनाने में ऊन लगती है, वो तो भेड़ से ही मिलती है, तो भेड़ को तो जरूर पता होगा कि एक कंबल में कितने खाने होते हैं। पर भला उस भेड़ को इस बात से क्या मतलब कि जो उसके शरीर से आप ऊन ले रहे हो उससे कितने खानों वाला कंबल बन रहा है, उसे इस बात से क्या मतलब। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब टेसु राजा ये जवाब सुनकर फिर से जो प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं कि एक झुंड में कितनी भेड़े होती हैं, और जवाब में टेसु राजा को क्या सुनने को मिलता है, एक पेड़ पर जितने पत्ते होते हैं उतने ही एक झुंड में भेड़े हैं। अब टेसु राजा यहां भी नहीं रुकते, वो फिर से प्रश्न पूछते हैं, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। अब टेसु राजा प्रश्न पूछते हैं कि भाई एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो जवाब में टेसु राजा जी को क्या सुनने को मिलता है कि जितने गोपी के घर में लत्ते हैं, लत्ते मतलब कपड़े। गोपी कोई इंसान है, तो जितने गोपी के घर में लत्ते होते हैं, जितने गोपी के घर में कपड़े हैं, उतने ही इस पेड़ पर पत्ते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब फिर से टेसु राजा प्रश्न पूछते हैं कि गोपी के घर में कितने लत्ते हैं, यानी कि कितने कपड़े हैं, तो जवाब में टेसु राजा को क्या सुनने को मिलता है कि कलकत्ते में कुत्ते जितने, यानी कि जितने कुत्ते कलकत्ता में हैं, कलकत्ता राज्य में हैं, उतने ही गोपी के घर में लत्ते हैं, उतने ही गोपी के घर में कपड़े हैं। और ये सारी बातें करने के बाद क्या समझ में आता है, उन्होंने बोला था ना कि जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं, तो क्या बोलते हैं, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। इसका मतलब एक अनार में कितने दाने हैं, एक अनार में 20,23,000 दाने हैं।
और ये सुनकर टेसु राजा क्या कहते हैं? टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। और ये सुनकर कि एक अनार में 20,23,000 दाने हैं, क्या कहते हैं टेसु राजा कि लाओ मुझको भी कितने अनार दे दो? 4 अनार दे दो। इसी के साथ मैंने आपको इस कविता का मतलब समझा दिया है। चलिए अब साथ में मिलकर इस कविता का पठन करते हैं। पहले मैं इस कविता की 2 लाइनें बोलूंगी, उसके बाद आप मेरे पीछे पीछे दोहराना। जब मैं बोलूंगी कि आपकी बारी, तो आपको वो 2 लाइनें दोहरानी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। टेसु राजा बीच बाजार, टेसु राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। आपकी बारी। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। आपकी बारी। कितने हैं कंबल में खाने, भीड़ भला क्यों लगी बताने। आपकी बारी। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। आपकी बारी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। आपकी बारी। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। आपकी बारी। बीस लाख 23,000 दाने वाला एक अनार। आपकी बारी। टेसु राजा कहीं पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। आपकी बारी। इसी के साथ हमने कविता पठन पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्निंग टूल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।